मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लव जिहाद के खिलाफ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में धर्म स्वतंत्र विधेयक लाएगी। इसके प्रस्तावित मसौदे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अधिनियम में सख्त प्रावधान किए गए हैं। इसका उल्लंघन करने पर अधिकतम 10 साल का कारावास और 1,00,000 रुपए अर्थदंड का प्रावधान किया गया है। कोई भी व्यक्ति प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग या कपटपूर्ण साधन से धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ एक सशक्त कानून बनाया जा रहा है। इसके प्रस्तावित मसौदे को शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया स्वतंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके पारित होते ही 1968 वाला विधेयक खत्म हो जाएगा। इस विधेयक में 19 प्रावधान है। किसी भी व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर 1 साल से 5 साल तक, STSC या नाबालिग का धर्म परिवर्तन करने पर 2 साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें 25,000 से 1,00,000 तक का जुर्माना और बगैर सूचना के विवाह शून्य माना जाएगा। इस कानून के तहत बच्चों और बीवी को संपत्ति का हिस्सा दिया जाएगा। TI से ऊपर रैंक के अधिकारी मामले की जांच करेंगे। ऐसा करने वाले मौलवी, पंडित, NGO और सारे गिरोह को भी सजा होगी। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ। 19 प्रावधान हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1,00,000 का होगा प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन सम परिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन होने से अकृत डल एंड वाइट विवाह के संबंध में महिला तथा उसके बच्चों के भरण पोषण का हकदार भी प्रावधानित किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्था, संगठन को भी अपराधी के समकक्ष ही सजा देने का प्रावधान इसमें किया है। प्रस्तावित अधिनियम में सबूत का भार आरोपी पर होना प्रावधानित है। प्रस्तावित घटित अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती घोषित किया गया है। घटित अपराध का अन्वेषण DI SI से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इससे ऊपर के ही अधिकारी करेंगे। विधेयक 28 दिसंबर से प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत होगा। पैतृक मत में वापसी को इस अधिनियम में मत परिवर्तन नहीं माना गया है। पैतृक मत यह माना गया है कि जो व्यक्ति के जन्म के समय उसके पिता का मत था, मत परिवर्तित व्यक्ति उसके माता पिता या भाई बहन को पुलिस थाने में इस अधिनियम में कार्यवाही किए जाने के लिए शिकायत करना आवश्यक होगा। परिवाद के माध्यम से न्यायालय से आदेश प्राप्त कर मत परिवर्तित व्यक्ति के अभिभावक भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। अधिनियम के तहत दर्ज अपराध संज्ञा तथा गैर जमानती होगा और सत्र न्यायालय में ही इसकी सुनवाई हो सकेगी। प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह
असम्यक असर प्रतिहन अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संप्रवृत्त करने का प्रयास निषेध किया गया है कोई भी व्यक्ति के द्वारा। उपयुक्त प्रकार के धन सम परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म समर्पण के लिए विरुद्ध शिकायत परिवार कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संप्रवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त विवाह दत्तक ग्रहण संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संप्रवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो वो धर्म संप्रवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धन संप्रवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो वो धन संप्रवर्तन का आयोजन करता है अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावास तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।